बिग बॉस 12 फेम सृष्टि रोड़े को लेकर खबर आ रही है। दरअसल वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं सर्जरी के लिए और अब उन्होंने खुद हॉस्पिटल से अपना एक छोटा वीडियो शेयर किया है। हालांकि उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है खुश नज़र आ रही हैं, खुश मिजाज हैं और रिलैक्स नज़र आ रही हैं, तो उस वीडियो से ऐसा लगता है कि डरने की कोई बात नहीं। क्यों एडमिट हुई है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन 5 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और किसी सर्जरी के लिए एडमिट हुई हैं। तो उन्होंने खुद जो है अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सृष्टि को आपने फिर कोई नहीं, छोटी बहू शोभा सोमनाथ की पुनर्विवाह, एक नई उम्मीद और चलती का नाम गाड़ी जैसे सीरियल में देखा था और इसके अलावा जो है बिग बॉस 12 में भी गई थी। तो अब खुद उन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ, वो हालांकि इस वीडियो में काफ़ी खुश और पॉजिटिव भी नज़र आई, तो हो सकता है कि डरने की कोई बात ना हो। और इसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जस्ट बिफोर आई वेंट इन फॉर द सर्जरी, इट्स बीन 5 डेज स्टिल इन द हॉस्पिटल बट रिकवरिंग, थैंक यू सो मच फॉर द गुड विशेज। तो इस तरीके से उन्होंने खुद जो है शेयर किया है। साल 2007 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, वो बिग बॉस 12 में नजर आई और तकरीबन वो, उनके अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो मनीष नागदेव के साथ तो वो रिश्ते में थी, उनकी सगाई भी हो गई थी और 3 साल से वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद जो है उन्होंने वो सगाई तोड़ दी थी, अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया था। लेकिन अब सृष्टि रोड़े को लेकर खबर आ रही है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 5 दिन से। हालांकि बड़ी सरप्राइज वाली बात है कि किसी को पता भी नहीं चला कि वो हॉस्पिटल में है। होप सब कुछ ठीक हो, क्योंकि जिस तरीके से उनकी खुद की बॉडी लैंग्वेज है, जो उन्होंने वीडियो शेयर किया है, उससे यही लगता है कि कुछ ज़्यादा डरने वाली बात नहीं और बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव इस वीडियो में नज़र आ रही हैं।